Hi friends, welcome to my channel Srinivas Gollapelli. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Hi friends, welcome to my channel Srinivas Gollapelli. पिछले वीडियोस में मैंने आपको स्टैंडर्ड 5th स्कॉलरशिप पेपर 1 सेक्शन 1 इंग्लिश सेक्शन 2 मैथ्स ये दोनों का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया था। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैंडर्ड 5th स्कॉलरशिप पेपर 2 सेक्शन 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक मेरे पास जो पेपर है वो सेट ए है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है मैं यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझना ज़रूरी है। लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो पेपर सॉल्व करते वक्त ये दो चीज़ आपको क्लियरली माइंड में रखना है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी ये दोनों होना ज़रूरी है। पेपर आप विद इन प्रिस्क्राइब टाइम में सॉल्व भी करना है और आंसर्स जो रहेंगे वो करेक्ट भी रहना है। तो जब पेपर सॉल्व करते हैं तब आप डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के बदले डायरेक्टली सॉल्व करते हैं या लॉजिक यूज़ करते हैं या जो भी मेथड है वो यूज़ करते हैं वहाँ पर स्टेप इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है, वहाँ पर आपका आंसर करेक्ट होना इम्पॉर्टेंट रहता है। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इन द वर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी विच इज़ द लेटर एट द फोर्थ प्लेस टू द राइट ऑफ द लेटर ओ। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इस वर्ड में जो स्पेलिंग है उसमें विच इज़ द लेटर एट द फोर्थ प्लेस टू द राइट ऑफ द लेटर ओ। तो सबसे पहले हमें ओ ढूंढना है और यहाँ पे ये ओ है। अब ये ओ से जैसे आपका हैंड है, राइट हैंड जो है वो आपका राइट साइड है, लेफ्ट हैंड जिस तरफ है वो आपका लेफ्ट साइड है। तो हमें लेटर ओ से राइट एट द फोर्थ प्लेस, तो राइट में फोर्थ प्लेस, सो आर फर्स्ट प्लेस, डी सेकंड प्लेस, आई थर्ड प्लेस, एन फोर्थ प्लेस। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओ से राइट साइड में फोर्थ प्लेस पे लेटर एन है। क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 31 ये चारों क्वेश्चन के लिए यहाँ पे दिया है। फाइंड द ऑड टर्म, ऑड टर्म मीन्स तीन टर्म्स रिलेटेड है और एक अलग है, जो अलग है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 27, मून मार्स जुपिटर सैटर्न। तो जब हम देखेंगे मार्स प्लानेट है, जुपिटर प्लानेट है, सैटर्न प्लानेट है, मून जो है वो सेटेलाइट है, सो मून ऑड मैन है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, 9, 65, 26, 126। अब यहाँ पे नंबर्स दिया है तो जब नंबर्स देते हैं तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हम जो सॉल्व करते वक्त हम जो लॉजिक यूज़ करते हैं, हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कभी एग्जामिनर के फॉर्मूला, एग्जामिनर का जो लॉजिक रहता है वो मैच नहीं कर पाते हैं और हमें जो आंसर करेक्ट लगता है एग्जामिनर के हिसाब से वो, क्योंकि उसने जो ऑर्डर सोच के सेट किया है उसके वजह से गलत हो सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम में हमें बहुत केयरफुल रहना है और इसमें हम एग्जामिनर ने कौन सा लॉजिक यूज़ किया है वो हम गेस नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे नंबर्स या नंबर सीरीज जब आते हैं वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब यहाँ पे 9, 65, 26, 126 ये चार नंबर दिया है। अब ये चार नंबर कैसे दिया है हमें ये सोचना है। जब हम 9 को देखते हैं, 9 एक तो है कि स्क्वायर है, लेकिन 65, 126, 26 ये तीनों स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर से कुछ रिलेटेड नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे 8 + 1, 26 हो जाजाएगा 25 + 1, 65 = 64 + 1, 126 = 125 + 1। अब ये जो 8 है ये 2 का क्यूब है, सो दिस इज़ 2³ + 1,
64 जो है वो 4 का क्यूब है, सो दिस इज 4 क्यूब प्लस 1. 25 किसी का क्यूब नहीं है लेकिन स्क्वायर है, सो 25 इज 5 स्क्वायर प्लस 1. एंड 126 जो है 125 प्लस 1, 125 जो है वो 5 का क्यूब है. सो यहाँ पे हम फर्स्ट 2 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 1, 5 क्यूब प्लस 1, ये तीनों एक ही फॉर्मेट में है. थर्ड ऑप्शन जो है वो है 5 स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे जो ऑड है वो ऑप्शन 3 26 है. क्वेश्चन नंबर 29, 386, 264, 275, 495. जब हम देखेंगे तो कोई रिलेशन इसमें नहीं रहेगा, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं, देखिए थ्री प्लस सिक्स 9 आना चाहिए, यहाँ पे 8 है. 2 प्लस 4 6 है और मिडल टर्म 6 है. 4 प्लस 5 9 है जो मिडल टर्म है. 2 प्लस 5 7 है जो मिडल टर्म है. तो यहाँ पे 2 3 4 ये तीनों एक ही फॉर्मेट में है, 1 जो है वो दूसरे फॉर्मेट में है. सो यहाँ पे जो ऑड है वो है ऑप्शन 1. क्वेश्चन नंबर 30, मिलेनियम सेकेंड सेंचुरी लाइट ईयर. तो जब हम देखेंगे मिलेनियम सेकेंड सेंचुरी, ये तीनों जो है ये टाइम के यूनिट्स है, और लाइट ईयर भले यहाँ पे ईयर है लेकिन ये स्पीड का यूनिट है. स्पीड जो हम स्पेस पे जो स्पीड होता है वो लाइट ईयर्स में काउंट करते हैं, तो यहाँ पे ऑर्मेन जो है वो 4 है. क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे चार डायग्राम दिया है, तो इनमें से जो अलग है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले जब बाहर का जो डायग्राम देखते हैं, ये चारों जो है वो सिमिलर है. देन सेकेंड लेयर में जो डायग्राम है ये भी अगर हम देखेंगे, चारों जो है वो सिमिलर है. उसके अंदर जो हार्ट है, जब ऑप्शन 1, 2 और 3 में ये एक जैसा है, ऑप्शन 4 में इन्वर्टेड है, तो ऑप्शन 4 जो है वो अलग है. तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 32, इन द लेटर सीरीज, यहाँ पे एक लेटर का सीरीज दिया हुआ है. हाउ मेनी टाइम्स एम इज प्रेसीडेड बाय ई एंड इज इमीडिएटली फॉलोड बाय टी. अब यहाँ पे प्रेसीडेड मतलब एम के बाद ई आएगा, एम के तुरंत बाद ई आएगा, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय टी, ई के तुरंत बाद टी आएगा. यानी कि यहाँ पे दोनों जो है वो सेम ही है, सिर्फ आपको वर्ड्स अलग दिए हैं. तो एम के बाद ई आएगा, एम इज़ प्रेसीडेड बाय ई एंड ई इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय टी. यानी कि वो जो सीरीज में जहाँ पे एम ई टी कंटिन्यूस रहेंगे वो हमें सीक्वेंस ढूंढना है. सो एम ई टी ये एक सीक्वेंस है, यहाँ पे एम ई एस है ये हमें नहीं चलेगा, एम ई टी ये दूसरा सीक्वेंस है, एम ई ओ यहाँ भी ये भी नहीं चलेगा. सो कितने सीरीज है, 1 और 2. सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो. अब यहाँ पे कुछ सीरीज दिया है, एंड में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा वो आइडेंटिफाई करना है. तो ऐसे प्रॉब्लम जब भी नंबर सीरीज आएंगे, सबसे पहले हम दो कंटिन्यू आने वाले नंबर के बीच में, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इनके बीच में पहले हम एडिशन या डिफरेंस का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. अगर उससे कोई रिलेशन नहीं बनता है तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का फाइंड आउट करते हैं. अगर उससे कोई रिलेशन नहीं फंडता है तो कुछ और जो हो सकता है वो हम चेक करेंगे. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सीरीज है 4, 7, 13, 25, 49. सो 7 माइनस 4, 3. 13 माइनस 7, 6. 25 माइनस 13, 12. 49 माइनस 25, 9 माइनस 5, 4. 24. जब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हम देखते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12,
सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू ज़ा 24, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहे हैं उस डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करके हम प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 प्लस 3 7, फिर 3 इंटू 2 6, 7 प्लस 6 13, 6 इंटू 2 12, 25, 12 इंटू 24 49। तो यहाँ पे हम 24 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे 48, यहाँ पे 49 है, दोनों को हम प्लेस करते हैं, 8 प्लस 9 17, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, सो 97 इज द आंसर। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आपको प्रॉब्लम जहाँ पे नंबर रिलेटेड क्वेश्चन से, नंबर सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन से वहाँ पे ही आएगा, अदरवाइज स्कॉलरशिप का जो इंटेलिजेंस का पेपर होता है वो ईजी होता है। क्वेश्चन नंबर 34, इन द गिवन फिगर्स देर इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस एंड फाइंड द फिगर विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे कुछ सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को पहले हमें आइडेंटिफाई करना है और अकॉर्डिंग टू दैट सीक्वेंस जो फोर्थ टर्म रहेगा, जो नेक्स्ट टर्म रहेगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल को हम फिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे ट्राइंगल देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर में ये पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे आ गया है, थर्ड फिगर में यहाँ पे आ गया है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहे। सेम वे जब हम स्टार को देखते हैं, स्टार भी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहे। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है तो इसे जब हम देखेंगे ये भी जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहे, यानी कि यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये जो चारों फिगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहे। तो यहाँ पे ट्रायंगल है, सेकंड में यहाँ पे है, थर्ड में यहाँ पे है, तो फोर्थ में ट्रायंगल जो रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल ऑप्शन 3 में है और ऑप्शन 4 में है, तो ये दोनों में से एक आंसर हो सकता है, 1 और 2 तो आंसर नहीं होंगे। तो जब आप ये देखेंगे स्टार को ट्रायंगल फॉलो कर रहे, स्टार को ट्रायंगल फॉलो कर रहे, स्टार को ट्रायंगल फॉलो कर रहे, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे स्टार को ट्रायंगल फॉलो कर रहे, और यहाँ पे जब हम देखेंगे स्टार को ट्रायंगल फॉलो नहीं कर रहे, यहाँ पे उल्टा हो गया है, तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, इन द नंबर सीरीज बाय हाउ मच इज द सम ऑफ प्राइम नंबर्स इज मोर और लेस देन द सम ऑफ कंपोजिट नंबर्स। अब यहाँ पे ये दो कंसेप्ट आपको क्लियर है, अगर ये दो कंसेप्ट आपको मालूम है तो आपको ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक वीडियो मैंने बनाया है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ऊपर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आ रहे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे मैंने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बताया है। अब वन जो है ये नंबर सीरीज में ये नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, तो ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो इसे हम स्किप करेंगे। बाकी प्राइम नंबर्स हम लिखते हैं, प्राइम नंबर्स जो है वो अपने ही डिजिट में आते हैं और वन से डिवाइड होते हैं, जो वन से और खुद से डिवाइड होते हैं वही नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। सो प्राइम नंबर है 7, 3, 5, 2, ये चारों जो है ये प्राइम नंबर से इनको हम प्लेस करेंगे। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 2 17। अब कंपोजिट नंबर, बाकी जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है, सो 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 9 इज 23, 23 प्लस 4 इज 27। कंपोजिट नंबर का टोटल जो है वो 27 है, प्राइम नंबर का टोटल जो है वो 17 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच इज द सम ऑफ प्राइम नंबर्स इज मोर आर लेस देन द सम ऑफ कंपोजिट नंबर। ये जो 17 है सम ऑफ प्राइम नंबर्स, ये सम ऑफ कंपोजिट नंबर से ज़्यादा है या कम है, मोर और लेस। तो जब हम देखेंगे 17 इज लेस है, कम है, तो ऑप्शन जो है हमारा 2 और ऑप्शन जो है 3, ये दोनों में से एक आंसर होगा। अब जब 27 और 17 को माइनस करते हैं आंसर 10 है, 27 माइनस 17 इज
10. So option 2 less by 10 is the correct answer. Question number 36 and 37 direction, ये mirror image के question से. अब mirror image का question जो होता है बहुत simple होता है. कैसे हम ढूंढते हैं, पहले मैं ये answer solve करता हूँ, फिर आपको मैं एक shortcut method बता देता हूँ. तो हमें mirror image में हमेशा याद रखना है, जो left होता है वो mirror image में right हो जाता है. इमेज जो है वो इरेक्ट ही रहता है, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वही डायरेक्शन में इमेज रहता है, इन्वर्टेड नहीं होता है. लेकिन सिर्फ राइट साइड जो है वो लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड जो है वो राइट हो जाता है. तो यहाँ पे एन और बी है. जब हम ऑप्शंस में देखते हैं, बी यहाँ पे जो है तो यहाँ से शुरुआत बी से होना चाहिए. तो ऑप्शन वन में बी है, ऑप्शन टू में बी है, ऑप्शन थ्री में बी नहीं है, ऑप्शन फोर में बी है. तो जो नहीं है उसको पहले हम कट कर दिए हैं. जब हम ऑप्शंस को देखते हैं, फोर में बी जो है वो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज आया है, तो ये भी नहीं हो सकता है. ऑप्शन वन और टू में जब हम देखेंगे, एन जो है ऑप्शन वन में जैसा ऑब्जेक्ट में है वैसा ही इमेज में आया है, ये राइट का लेफ्ट होना चाहिए, लेफ्ट का राइट होना चाहिए, तो ये भी नहीं है. ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर. सेम वे 37 में हम जब देखेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल से स्टार्ट होके ये यहाँ पे एंड हो रहे, तो ये जो है ये मिरर इमेज में ये पहले आएगा और ट्रायंगल बाद में आएगा. सो इससे मैच करता हुआ ऑप्शन वन है, ऑप्शन टू है, ऑप्शन थ्री नहीं है, ऑप्शन फोर है. तो ये तीनों में से कोई एक आंसर होगा. फिर हम ये फिगर को देखेंगे, तो ये फिगर जो है मिरर इमेज में इस तरफ आना चाहिए. तो ऑप्शन वन में भी आया है, ऑप्शन टू में भी आया है, ऑप्शन फोर में भी आया है. फिर हम जब ये स्मॉल सर्कल भी देखेंगे, स्मॉल सर्कल मिरर में इस तरफ आ जाएगा, तो ऑप्शन वन में ये आया है लेकिन ऑप्शन टू में सेम साइड है, तो ऑप्शन टू भी नहीं रहेगा, ऑप्शन फोर है. यानी कि अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, वन और फोर, इनमें से एक हमारा आंसर रहेगा. अब जब हम ये नीचे का देखते हैं, यहाँ पे ये स्मॉल है और ये बड़ा है, तो यहाँ पे मिरर इमेज में स्मॉल इस तरफ आएगा और बड़ा से जो लेंथ है वो इस तरफ आएगा. तो ऑप्शन वन तो नहीं है, ऑप्शन फोर करेक्ट है. तो ऑप्शन फोर इज़ द आंसर. अब जब मिरर इमेज को अगर देखना है, तो हम अगर स्केल को यहाँ पे रखेंगे, तो स्केल में हमें जो इमेज दिखता है उससे हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो सकता है. तो जब हमें मिरर इमेज करना है, तो स्केल को ऑब्जेक्ट के यहाँ पे ऐसे वर्टिकल रखेंगे, और जब वाटर इमेज करना है तो हम स्केल को ऐसे हॉरिजेंटल रखेंगे, तो हमें उसका इमेज दिख जाता है. क्वेश्चन नंबर 38. इन द गिवेन अल्फाबेटिकल सीरीज विच ग्रुप ऑफ लेटर्स विल अकर एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये जो ऑप्शन चार है, इनमें से कौन सा ग्रुप वहाँ पे आ जाएगा. तो इसमें हम एक ही मेथड यूज़ कर सकते हैं, और वो है सब्सटीट्यूशन मेथड. यानी कि हम ये जो फिल इन द ब्लैंक है, ये चारों ऑप्शन जो दिया है वो चारों ऑप्शन हम यूज़ कर लेंगे. फिर हम देखेंगे किस में एक मीनिंगफुल सीक्वेंस अरेंज हो रहा है. तो हम यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ. पहला है एम एम N M M, second is M N M N M, third M M N M N, fourth is M N M M M. तो जब हम सीरीज को देखते हैं, फर्स्ट सीरीज एम एम एन एम एन एम एम एन एम एन एम एम एन एम एन, यानी कि ये जो सीक्वेंस बन रहे वो ऐसा बन रहे एम एम फिर एन एम एन फिर बाद में एम एम फिर एन एम एन. तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहे, तो ये होने के चांसेस ज़्यादा है. फिर भी हम एक बार ऑप्शन टू थ्री फोर देखते हैं. अगर पेपर में आप डायरेक्टली ऑप्शन वन को भी टिक करेंगे तो भी
चल जाएगा आपका, इतना जो सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे उतना टाइम आपका सेव हो जाएगा। लेकिन हम एज यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको बाकी के तीनों ऑप्शंस भी बताता हूँ। सेकंड, एमएम एनएनएन एमएम, लेकिन यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं आया है, यहाँ पे एमएमएन हो गया है, फिर एमएन, तो यहाँ पे सीक्वेंस नहीं बन रहा है। एमएम एनएमएन एमएम एनएमएन एमएम एनएनएन, अब यहाँ पे देखिए सीक्वेंस कैसा बनते बनते रह गया है, एम एम एन एम एन एम एम एन एम एन एम एम, लेकिन लास्ट में है ट्रिपल एन आया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस जो है वो गड़बड़ हो गया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। फोर्थ, एम एम एन 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 एम 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 एन एम एम एन एम एन, तो यहाँ पे भी ये नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40, ये दोनों जो है ये वाटर इमेज के क्वेश्चन से, आप डायरेक्टली पेन जो ट्रांसपेरेंट है या कोई स्केल है ऐसे रख देंगे तो आपको क्लियरली आंसर मिल जाएगा, तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वाटर इमेज में ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि ये जो इमेज है ये इन्वर्टेड हो जाता है, यानी कि ऐसा जो पेन अगर रहेगा वाटर इमेज में हम देखेंगे तो पेन इन्वर्टेड हो जाएगा, तो यहाँ पे उनका जो डायरेक्शन है सेम रहेगा, यानी कि अब ये 245 में 2 पहला रहेगा, 4 मिडल में रहेगा और 5 जो है बाद में रहेगा, सिर्फ ये जो है ये इन्वर्टेड आ जाएंगे। तो ऑप्शन में जब हम देख रहे हैं 245, यहाँ पे ऑप्शन 245 ये सेम एज इट इज़ आया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। 245 और 5 पहले आया है, ये मिरर इमेज में पहले 5 आएगा लेकिन वाटर इमेज में नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 5 जो है वो एज पहला आया है, तो ये भी गलत है। सो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ पे 2 है, 4 है, 5 है, और तीनों का जो इमेज है वो इन्वर्टेड आया है, सो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। सेम वे जब क्वेश्चन नंबर 40 में हम देखेंगे, यहाँ पे जो हमको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं ट्रायंगल और सर्कल, पहले इनसे हम ऑप्शन को ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो ये ट्रायंगल जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, सर्कल जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, और ट्रायंगल जो है वो इन्वर्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्कल ऊपर है, ट्रायंगल नीचे है, सर्कल ऊपर है, ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल को शेड किया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ट्रायंगल ऊपर ही है तो ये भी नहीं होगा। अब सर्कल ऊपर आ गया है, ट्रायंगल नीचे आ गया, लेकिन ट्रायंगल जब हम देखते हैं तो एज इट इज़ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे सेम है, तो ये भी नहीं होगा। ट्रायंगल जो है वो इन्वर्टेड आना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया है, तो ये करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन वन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवेन नंबर सीरीज। अब यहाँ पे एक नंबर सीरीज है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये मैं बार बार मैं आपसे यही रिपीट करता हूँ कि नंबर सीरीज में कभी कभी हमारा लॉजिक अलग हो जाता है और जिसने पेपर सेट किया है उसका लॉजिक अलग रहता है। अगर हमने कुछ लॉजिक लगाया है गलत और उसका ऑप्शन यहाँ पे है तो हम धोखा खाएंगे और वही ऑप्शन को हम टिक करते हैं, लेकिन एग्जामिनर का रूल अलग रहता है, उनका लॉजिक अलग रहता है, तो वो उनके हिसाब से वो ऑप्शन अलग हो जाता है और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है। 13 और 15 दोनों के बीच में डिफरेंस है 2, और 19 दोनों के बीच में डिफरेंस है 4, 19 और 27 दोनों के बीच में डिफरेंस है 8। सो यहाँ पे हमें एक लॉजिक में एक रूल मिल गया है, 2 2 2 4, 4 2 8, तो नेक्स्ट जो रहेगा 8 2 16 रहेगा। 27 को हम प्लस 16 ऐड करेंगे, 27 को जब हम 16 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 37 43, लेकिन ऑप्शन में 43 नहीं है, यानी कि ये जो हमने रूल अप्लाई किया है वो यहाँ पे नहीं वैलिड है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 43 रहता तो हम वहाँ पे 43 टिक करते थे और हमारा आंसर गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते थे।
तो यहाँ पे ये रूल तो नहीं इम्प्लीमेंट होगा, तो हमें कुछ दूसरा रूल अप्लाई करना है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो 2 है ये और कैसे आ सकता है। तो जब हम देखेंगे 1-3 2 है, 1-5 4 है, 1-9 8 है, बराबर। हाँ, तो यहाँ पे हम 16 के बदले 2-7, 2-7 कितना है, 5 है। सो देखिए अब सीरीज़ कैसा हो रहा है, 13 ये दोनों को हमने माइनस किया तो 2 आया है, 13+2 15, ये दोनों को जब माइनस किया है तो 4 आया है, 15+4 19, ये जो दोनों को माइनस किया है 8 आया है, 19+8 27, 27 ये दोनों को माइनस करेंगे तो 5 है, सो 27+5 करेंगे, 27+5 32, सो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, अब यहाँ पे वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दिया हुआ है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट साइड होता है और ये जो होता है ये राइट साइड होता है। इन द गिवेन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ राइट द लेफ्ट एडजेसेंट लेटर ऑफ द लेटर विच इज़ एट 7th प्लेस फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से जो 7th प्लेस है पहले हमें वो ढूंढना है। सो यहाँ पे 5, 6, 7 ये जो एस है ये राइट एंड से 7th प्लेस पे है। अब क्या दिया है, लेफ्ट एडजेसेंट लेटर ऑफ द लेटर विच इज़ एट 7th। अब जो एस है, एस का जो टी है वो राइट साइड है, आर जो है वो लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब जो साइड में, लेफ्ट साइड में जो लेटर है वो क्या है, आर है। सो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 टू 47 डायरेक्शन यहाँ पे दिया है, ये सारे क्वेश्चंस को यही रूल फॉलो करना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फर्स्ट पेयर हैज सम रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स, द सेम रिलेशन होल्ड्स ट्रू फॉर द सेकेंड पेयर ऑल्सो। पहले हमें ये फर्स्ट पेयर का जो रिलेशन है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, और ये जो रिलेशन रहेगा वो सेकेंड पेयर को भी ट्रू रहेगा, यानी कि वो करेक्ट ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमें आंसर ढूंढना है। बाकरी जवार बटर, अब बाकरी जवार, बाकरी जवार से बाकरी बनता है, तो बटर, बटर किससे बनता है, बटर शुगर केन रॉ मैंगो बाजरा मिल्क। सो मिल्क इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 44, अब यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ पे ट्रायंगल जो है इन्वर्टेड हुआ है, और ये जो वर्टिकल लाइन से दो यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन्स में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे ये जो रहेगा इसका इन्वर्टेड इमेज हमें फाइंड आउट करना है। सो इन्वर्टेड इमेज में ये जो लाइन नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड इमेज में लाइन ऊपर की तरफ रहेगा, तो लाइन ऊपर की तरफ ऑप्शन 1 में भी है और ऑप्शन 4 में भी है, बाकी 3 और 2 नहीं हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, लाइंस चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन्स है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन यहाँ पे दो लाइन है, यहाँ पे दो है और यहाँ पे 3 है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, अब यहाँ पे एक सर्कल है, एक सर्कल का दो पार्ट हो गए, दो सर्कल हो गया है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे दो सर्कल में दो बार प्लस है, सिर्फ एक बार प्लस जो है वो नीचे है और एक बार प्लस ऊपर है, यानी कि जब हम ये दो सर्कल को देखते हैं दोनों इन्वर्टेड है, यहाँ पे एक दूसरे के इन्वर्टेड है, यहाँ पे सर्कल जो है वो टॉप पे है, यहाँ पे सर्कल बॉटम की तरफ आ गया है, यानी कि यहाँ पे इन्वर्टेड हो गया है, फिर ये उसका रिवर्स इन्वर्टेड हो गया है। तो ये जो सिलेंडर रहेगा, ये सिलेंडर का भी इन्वर्टेड इमेज आ जाना चाहिए, और यहाँ पे एक सिलेंडर है तो हमारा यहाँ पे दो सिलेंडर रहेंगे, तो चारों ऑप्शन में दो सिलेंडर है, यहाँ पे दो सर्कल है, दो सर्कल है, यहाँ पे सिंगल सर्कल है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे दो है ये होगा, यहाँ पे सिंगल सर्कल ये नहीं हो सकता है। सो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में से एक रहेगा। अब ये जो दो सर्कल है एक बार हमें इन्वर्टेड आना चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन इन्वर्टेड है, फिर ये करेक्ट है, जब ऑप्शन 4 में देख ऑप्शन 3 में देखते हैं वो उल्टा है, सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। 4
16. तो हमें 4 और 18 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है. 4 फोर ज़ा 16, 16 प्लस 2 18, सो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2, 16 प्लस 2 18. अगर ये सिंपल रूल अगर देखेंगे तो 6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 2 38, लेकिन ऑप्शन में 38 नहीं है, तो यहाँ पे हमें और कुछ यूज़ करना पड़ेगा. अब ये फोर स्क्वायर है, अब ये टू कैसा आया है, ये जो फोर है इसका हाफ है, यानी कि फोर स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ फोर दैट इज टू. तो अगर ये अगर रूल यूज करेंगे, सिक्स स्क्वायर 36, हाफ ऑफ सिक्स इज थ्री, 36 प्लस 3 39, लेकिन ऑप्शन में 39 भी नहीं है, तो ये रूल भी अप्लीकेबल नहीं होगा. सो ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को हाफ ऑफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4 3 इज़ 12, हाफ ऑफ 4 इज 2, 3 2 इज़ 6, 12 प्लस 6 18. तो सेम हम देखते हैं, 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जो प्रोडक्ट आएगा इसे हम 3 को हाफ ऑफ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 6 इंटू 3 18, हाफ ऑफ 6 इज 3, 3 प्लस 3 9, 18 प्लस 9 इज 27. सो ऑप्शन में 4 27 है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो ऑप्शन 4 हम टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 47, 26 38, 48 क्वेश्चन मार्क. सो 26 और 38 के बीच में हमें रिलेशन ढूंढना है, तो हमें ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा. सो पहले हम यही देखेंगे, 26 38 माइनस करेंगे, 38 माइनस 26 इज 12. सो 26 को हम 12 प्लस करेंगे तो 38 आएगा. तो अब ये 12 कैसा आएगा और कैसे आ सकता है, ये हमें चेक करना है. सो ये 12 जो है, देखिए 2 इंटू 6 12, ये भी एक हो सकता है. सो 48, इसमें जो डिजिट्स है 4 और 8, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 8. फिर हम देखते हैं 48, 4 इंटू 8 इज 32, 48 प्लस 32 इज 80, ऑप्शन में 80 है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 48, अगेन ऑड टर्म इन द गिवन सीरीज, तो 3, 4, 6, 10, 22, 34, इनका रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है. थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन, सो वन टू फोर. तो यहाँ पे फोर के बाद एट, एट के बाद सिक्सटीन, अगर ये ऑर्डर होगा तो सिक्स प्लस फोर टेन, टेन प्लस एट एटीन, एटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी फोर, ये हमारा सीक्वेंस करेक्ट फुलफिल हो रहा है. तो यहाँ पे ऑड मैन जो है वो 22 है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 49, स्वाति इज 8 ईयर्स ओल्डर देन क्रांति. स्वाति 8 ईयर्स ओल्डर, यानी कि ये 8 साल से बड़ी है. स्वाति बड़ी है और क्रांति छोटी है, तो जो छोटे होता है वो हम x लेते हैं. सो लेट द एज ऑफ क्रांति बी x. अगर क्रांति का एज x है तो स्वाति का एज हो जाएगा x प्लस 8 ईयर्स. द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ द गर्ल्स इज 44. सो x और x प्लस 8, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 44. सो x प्लस x 2x, 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 44. 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 8 है, इक्वेशन के अपोजिट साइड आया है, तो माइनस 8 हो जाएगा. 44 माइनस 8, 2x, 44 माइनस 8 इज 36. सो 2x इज इक्वल टू 36,
x इज इक्वल टू 36 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गया है x, लेकिन x जो है वो क्रांति का एज है, क्रांति इज x, सो क्रांति का एज 18 है। स्वाति का एज कितना होगा? स्वाति इज 8 ईयर्स ओल्डर, सो x प्लस 8 दैट इज 18 प्लस 8 26। प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति इज 26 ईयर्स। यहाँ पे क्या पूछा है? फाइंड द एज ऑफ स्वाति 8 ईयर्स बिफोर, सो 26 में हम माइनस 8 करेंगे, अगेन 18 आ जाएगा। सो एज ऑफ स्वाति 8 ईयर्स एगो इज 18। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50। इफ रैट इज कॉल्ड कैट, कैट इज कॉल्ड डोंकी, डोंकी इज कॉल्ड डॉग, डॉग इज कॉल्ड डियर, डियर इज कॉल्ड ह्यूमन, ह्यूमन इज कॉल्ड रैबिट, रैबिट इज कॉल्ड काफ, देन हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल अमॉन्ग देम। अब यह हम सब भूल जाएंगे, पहले इसका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल जो होता है वो ह्यूमन होता है, और ह्यूमन को रैबिट कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? रैबिट आएगा। यहाँ पे आप ह्यूमन लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन को इस कोड लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रैबिट कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा रैबिट। क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52। फाइंड आउट द फिगर विच आर एग्जैक्टली मैचेस विद द क्वेश्चन फिगर, जो क्वेश्चन फिगर है उससे एग्जैक्टली मैच होने वाला आंसर हमें ढूंढना है। सो यहाँ पे जब आप देखेंगे दो आईज है तो दोनों में है, ये जो नोज का यहाँ पे दिया है ये भी सिमिलर है, यहाँ पे टीथ जो है 1 2 3 4 टीथ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, सो ऑप्शन 3 जो है वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है। सेम वे जब हम यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा सा ह्यूमन फेस को ही रिजेंबल कर रहे, ये आइस और यहाँ पे दोनों शेडेड जो है वो एक दूसरे के पास है, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे से अलग अलग, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे दोनों सिमिलर है, बाकी एग्जैक्टली कोइंसाइड होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 53। इन ए शॉप देर आर फ्यू सैक्स ऑफ व्हीट, जोवार, बाजरा, तूर, शुगर, द नंबर ऑफ सैक्स ऑफ शुगर इज ट्वाइस द टोटल ऑफ ऑल अदर सैक्स, ऑल अदर सैक्स ऑफ ग्रेन्स आर इक्वल, दैट इज ईच ऑफ 12, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सैक्स इन द शॉप। तो यहाँ पे क्या दिया है? सैक्स ऑफ शुगर, शुगर जो है ट्वाइस यानी कि 2 मल्टीप्लाई, और जितने भी बाकी है वीट, जवार, बाजरा, तूर, ये चारों का टोटल से ट्वाइस है यानी कि डबल है, और यहाँ पे दिया है ऑल अदर सैक्स ऑफ ग्रेन्स आर इक्वल, ये चारों इक्वल है, एंड ईच ऑफ 12 यानी कि वीट 12 है, जवार 12 है, बाजरा 12 है, एंड तूर 12 है, सो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, 12 फोर जा 48, सो बाकी टोटल कितने हैं? 48 है, 2 × 48 कितना हो गया है? 96 हो गया है। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ सैक्स इन द शॉप, शुगर जो है वो 96 है और बाकी चारों जो है वो 48 है, वापस हम दोनों को प्लेस करेंगे, 8 प्लस 6 14, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 4 14, सो टोटल नंबर ऑफ सैक्स इज 144, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्क्वेयर्स रिप्रेजेंट, यहाँ पे स्क्वेयर दिया है, स्क्वेयर यानी कि जहाँ पे चारों साइड इक्वल है वो स्क्वेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जब क्लियरली देखते हैं ए बी सी डी ये चारों स्क्वायर है और ये कंप्लीट जो है वो भी एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे टोटल 5 है। सेम वे ये एक है, ये एक स्क्वायर है, ये और ये चारों, और ये चारों से जो बना है वो भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, सो ये भी 5 है, और ये जो पूरा एंटायर जो है वो भी एक स्क्वायर है, सो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 टू 59। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस थ्री वर्ड्स आर गिवन विद सम कॉमन रिलेशन,
so their group is formed. Select a word from the alternatives given which has the same common feature of the given group. कॉमन फीचर होना चाहिए. तो ये तीनों का रिलेशन फाइंड आउट करना है और इससे रिलेटेड ही हमें फोर्थ ऑप्शन फाइंड आउट करना है. 55. शुगर सॉल्ट वॉशिंग सोडा. सो यहाँ पे ऑप्शन है अलम पाउडर, टर्मरिक ऑयल, सैंड. तो शुगर वाइट कलर होता है, सॉल्ट वाइट कलर है, वॉशिंग सोडा वाइट कलर है, तो अलम पाउडर जो है वो भी वाइट कलर है. सो यहाँ पे ऑप्शन वन इज़ द करेक्ट आंसर. 56. ऑनियन गार्लिक पोटैटो डैश स्वीट पोटैटो रेडिश बीटरूट जिंजर. ऑनियन गार्लिक पोटैटो ये तीनों जो है ये वेजिटेबल्स में यूज़ होता है. फोर्थ जिंजर भी यूज़ होता है. तो यहाँ पे फोर्थ इज़ द आंसर. 57. स्टार एक पेंटागॉन. यहाँ पे एक सर्कल के दो पार्ट है. अब यहाँ पे सर्कल के चार पार्ट्स हो गए हैं. अब यहाँ पे सर्कल के सिक्स पार्ट्स हो गए हैं. तो नेक्स्ट सर्कल के एट पार्ट्स हो जाएंगे. सो जब हम देखेंगे ऑप्शन वन में एट पार्ट्स है, ऑप्शन टू में नहीं है, ऑप्शन थ्री में भी एट पार्ट्स है, ऑप्शन फोर में भी एट पार्ट्स है. तो ये तीनों में से एक होगा. अब हम देखेंगे पेंटागॉन, यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे चार आना चाहिए. लेकिन ऑप्शन वन में टोटल फाइव पेंटागॉन है, तो ऑप्शन वन भी नहीं रहेगा. ऑप्शन थ्री और ऑप्शन फोर में से एक है. स्टार यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, तो ऑप्शन थ्री में तीन स्टार है, ऑप्शन फोर में फोर स्टार है, तो ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट आंसर है. अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल, यहाँ पे ये जो एरोज से एक दूसरे के इनवर्स है. अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे वर्टिकल हो गया है, लेकिन ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो गया है. अगेन ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो गया है. तो नेक्स्ट जो रहेगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि एक एरो डाउन रहेगा, एक एरो अप रहेगा. तो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है. सो ऑप्शन फोर इज़ द करेक्ट आंसर. 59. 3412, 4520, 2510. ऐसे देखेंगे तो हमें कुछ रिलेशन समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम ऑब्जर्व करेंगे 3 × 4 = 12, 4 × 5 = 20, 2 × 5 = 10, यानी कि पहले दो डिजिट का प्रोडक्ट जो है वो थर्ड और फोर्थ में आ गया है. सो 1 × 2 = 2 होता है, ये नहीं होगा. 2 × 0 = 0, ये भी नहीं होगा. 5 × 4 = 20, ये भी नहीं होगा. 4 × 4 = 16. सो ऑप्शन फोर इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के. सो सिंगल लेटर से कितने ट्रायंगल बनते हैं पहले वो हम लिखेंगे. तो ए बी डी ई एफ एच आई जे, ये सारे जो है वो सिंगल लेटर से ट्रायंगल बनते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. फिर टू लेटर से जब हम देखेंगे ए और सी, ये एक है, जी और जे, ये दूसरा ट्रायंगल है. तो टू लेटर से टू ट्रायंगल बनते हैं. अब थ्री लेटर से जब हम देखते हैं तो ये जो है टू लेटर से ये भी एक ट्रायंगल बनता है, जे और के. सो थ्री है, और जो बड़े ट्रायंगल जो है वो 1, 2, 3. सो 8 + 3 = 11, 11 + 3 = 14. ऑप्शन वन इज़ द करेक्ट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 61. जॉन एंड मोइस आर स्टैंडिंग इन ए रो. जॉन इज द 17th प्लेस फ्रॉम द बिगिनिंग. बिगिनिंग से 17th पोजिशन पे है एंड 8th फ्रॉम द बैक. सो 17 प्लस 8 25. एक रो में टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 25 स्टूडेंट्स है. ऑन द अदर हैंड मोइस इज 6th फ्रॉम द बिगिनिंग. बिगिनिंग से 6th थे. सो टोटल 25 है. तो यहाँ पे एंड से कितना रहेगा? वो 19th पोजीशन पर रहेगा. 19 प्लस 6 25. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. रशीद इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ ईस्ट. हम डायरेक्शंस बनाते हैं. ये जो है ये हमेशा याद रखेंगे, ऐसे ऊपर के तरफ जो रहता है वो नॉर्थ है. तो डाउन साउथ हो गया है और ये ईस्ट हो गया है और वेस्ट हो गया है. रशीद इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ ईस्ट. सो ही इज फेसिंग इन दिस डायरेक्शन. ही टर्न टू हिज लेफ्ट. अब यहाँ पे अगर कड़ा है तो दिस विल बी हिज लेफ्ट डायरेक्शन. लेफ्ट 3 टाइम्स इन राइट एंगल्स. सो यहाँ से दिस इज वन राइट एंगल, दिस इज सेकेंड राइट एंगल एंड दिस इज थर्ड राइट एंगल. सो अब वो यहाँ पर आ गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस विल ही देयर टू हिज राइट. अब यहाँ पे अगर खड़ा है तो ये जो रहेगा ये राइट साइड रहेगा और ये लेफ्ट साइड रहेगा. सो इनमें से कौन सा उसके राइट डायरेक्शन में है? तो ये साउथ है और ये साउथ वेस्ट है. तो साउथ वेस्ट इज इन द करेक्ट ऑप्शन. अब यहाँ पे नंबर से और उनके सिंबल से. अब ये सिंबल्स यूज करके हमें क्वेश्चन नंबर 63 एंड 64 सॉल्व करना है. यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिया है दैट वैल्यू इज 9. हम इक्वेशन बनाएंगे. 9 सब्ट्रैक्ट बॉक्स, बॉक्स इज 3 मल्टीप्लाई प्लस, प्लस इज 0 ऐड इनटू दैट इज 6. सो 3 इंटू 0 इज 0. 9 माइनस 0 प्लस 6 दैट इज 9 प्लस 6 दैट इज 15. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. नाउ यहाँ पे इन्वर्टेड ट्रायंगल दैट इज 5 ऐड टू लाइंस 7 सब्ट्रैक्ट वापस ये जो ट्रायंगल है 9 डिवाइड बॉक्स 3. सो बॉडमोस में पहले डिवीजन करेंगे. 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3. 5 प्लस 7 माइनस 3. 5 प्लस 7 12. 12 माइनस 3. 12 माइनस 3 इज 9. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 65. इन द गिवन फिगर हाउ मेनी क्यूबिकल बॉक्सेस आर देर. यहाँ पे कितने क्यूबिकल बॉक्सेस है वो हमें फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट रो में जब हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 है. फर्स्ट रो में 5 है, सेकेंड रो में भी 5 है और थर्ड रो में भी 5 है. तो ये जो बेस में रोस है टोटल 15 बॉक्सेस है. फिर सेकेंड रो में जब हम सेकेंड लेवल पे देखते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 5 है. तो ये टोटल 10 है और यहाँ पे 1, 2, 3. सो 25 प्लस 3 28. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 66. इन द ईयर 2017 रिपब्लिक डे वॉज ऑन वेनसडे. देन इन द सेम ईयर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती वॉज ऑन विच डे. अब ये जो क्वेश्चन है ये डेज काउंटिंग डेज के ऊपर है. इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना है. ऊपर जो कार्ड है उस कार्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा. रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे हम मनाते हैं 26 जनवरी 2017. ये वेनसडे है. अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती कब मनाते हैं. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती जो होता है वो 14th अप्रैल को मनाया जाता है. तो हमें 14th अप्रैल 2017 कौन से डे पे आया है ये हमें फाइंड आउट करना है.
तो यहाँ पे हमें डेज काउंट करेंगे, 26 जनवरी वेनसडे है, सो 27, 28, 29, 30, 31, जनवरी में टोटल 5 डेज है। फ़रवरी जो है वो लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 2017 है, 4 से डिवाइड नहीं होता है, सो यहाँ पे फ़रवरी में 28 डेज है। मार्च में 31 डेज है और अप्रैल के 14 डेज, तो ये हम प्लस करेंगे, तो ये हम टोटल नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे, 1 + 4 = 5, 5 + 5 = 10, 10 + 8 = 18, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 1 = 7, सो टोटल डेज 78 है। अब ये 78 को एक वीक में 7 डेज होता है, सो 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 × 7, 7 × 7, सो यहाँ पे रिमाइंडर इज 1 है। तो ये जो डे है एक दिन आगे जाएगा। अब रिपब्लिक डे वेनसडे को आया है, एक दिन आगे जो इसका रहेगा वो थर्सडे रहेगा, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 और 68 जो है वो वेन डायग्राम के ऊपर है। ऑब्जर्व द वेन डायग्राम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे सर्कल में 3, 4, 5 है, रेक्टेंगल में 4, 5, 7, 6 है और ट्राइंगल में 7, 8, 5 है। What will be the difference between the sum of the numbers that are only in rectangle and triangle to that of numbers only in circle and rectangle? तो पहले हमें numbers only in rectangle and triangle वो ढूंढना है। Only in rectangle जो है वो 6 है and only in triangle is 8, so this is 6 + 8 = 14. Only in circle is 3 and rectangle, only in rectangle again 6, 3 + 6 = 9, 6 + 8 = 14. अब यहाँ पे क्या पूछा है, what will be the difference, 14 - 9, जब 14 - 9 करते हैं 5 आता है, so option 2 is the correct answer। अब यहाँ पे अगेन सर्कल, ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। द गिवन फिगर शोज नंबर ऑफ म्यूजिशियंस इन ट्राइंगल, सिंगर्स इन ए रेक्टेंगल एंड एक्टर्स इन ए सर्कल। यहाँ पे रेक्टेंगल है लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल आएगा। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु आर सिंगर्स एज वेल एज म्यूजिशियंस एंड एक्टर्स, यानी कि वो सिंगर भी है, म्यूजिशियन भी है और एक्टर भी है, यानी कि हमें ये जो तीनों फिगर के अंदर जो नंबर है वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। जब हम 1 देखेंगे सिर्फ सर्कल में है, 4 सिर्फ ट्राइंगल में है, तो जो तीनों के अंदर है वो, अब ये जो 3 है, ये 3 सर्कल के अंदर है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी आ गया है, रेक्टेंगल के अंदर भी आ गया है, और कोई नंबर नहीं है जो तीनों के अंदर है, सो ऑप्शन 1 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 अगेन डेट का, डेज एंड डेट का प्रॉब्लम है। 1 February 2016 वॉज मंडे, वॉट वॉज द डे ऑन 1 February 2010? अब 1 February 2016 मंडे को है, सो 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 and 2010 हमें फाइंड आउट करना है कि 2010 कौन से डे पे आया है, सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईयर से, यानी कि हमें ये याद रखना है कि जो ईयर होता है उसमें डे जो है वो एक दिन आगे जाता है। अगर 1 January दिस ईयर संडे को आया है तो नेक्स्ट ईयर 1 January मंडे को आएगा। अगर कोई ईयर बीच में लीप ईयर आता है तो वो जो डे है वो एक दिन के बदले 2 दिन जाएगा क्योंकि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब ये 6 साल पीछे गया है, यानी कि 6 दिन हमने पीछे लिखा है।
2016 लीप ईयर है, लेकिन हम 1 फरवरी को काउंटिंग स्टार्ट किए हैं, तो लीप ईयर में 28 डेज 29 डेज हम बैकसाइड जा रहे, इसके लिए कुछ फ़र्क नहीं होता है। 2015 नॉट ए लीप ईयर, 14 नॉट ए लीप ईयर, 13 नॉट ए लीप ईयर, 12 लीप ईयर है, तो यहाँ पे एक दिन और बढ़ेगा जो पीछे जाएगा। 2011, 2010 ये दोनों नॉट ए लीप ईयर है, तो यहाँ पे टोटल हम 6 + 1 7 डेज पीछे जाना है। तो कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज लिखता हूँ। मंडे से हम स्टार्ट किए हैं, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेनसडे, ट्यूसडे, मंडे, सो अगेन इट विल कम ऑन मंडे, सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, सेलेक्ट द नंबर टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, 4, 9, 16, 14, 18 क्वेश्चन मार्क, 49, 36, 25। 4 को जब हम देखेंगे ये 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, सो 2 × 7 = 14, 3 × 6 = 18, 4 × 5 = 20, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, इन ए कोड लैंग्वेज कैप इज 341, पैन इज 417, रैन इज 197, इज रिटेन लाइक दिस, इन द सेम लैंग्वेज हाउ वी विल बी द वर्ड कार रिटेन। तो पहले हमें इसे डी कोड करना है, CAP 341, PAN 417। तो पहले हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा लेटर है जो एक ही बार रिपीट होगा दो वर्ड्स में। तो जब हम कैप और रैन ये दोनों को देखते हैं तो दोनों में ए जो है वो रिपीट हो रहे, सो कैप 341, रैन 197, सो यहाँ पे 1 रिपीट हो रहे, तो ए जो है वो 1 है, सो 341 में 1 जो है वो ए है। अब कैप और पैन में जब हम देखेंगे वहाँ पे 1 जो है वो ए है, और कौन सा जो रिपीट हो रहे है वो है पी और पी, 4 और 4, सो पी जो है वो 4 है। पी ए एन में पी 4 है, ए 1 है, जो एन है वो 7 है। आर ए एन में ए 1 है, एन 7 है, आर जो बचा है वो 9 है। सी ए पी में ए 1 है, पी 4 है, सी जो है वो 3 है। अब हम जब कार लिखते हैं ये हो जाएगा 3, 1, 9, 3, 1, 9, सो ऑप्शन 2 में 3 है, 1 है, 9 है, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, इन ए कोड लैंग्वेज 246 इज रिटन एज 82,448, हाउ विल 579 बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो हमें ये डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम पहले ये डिकोड करेंगे, तो 2 × 4 = 8, ये फर्स्ट आ गया है, 4 × 6 = 24, ये आ गया है। अब ये 48 कैसा आएगा ये हमें देखना है। अगर एक मेथड है 6 × 4 = 24, 24 × 2 = 48, ये हम फॉलो करते हैं, तो ये देखिए 5 × 7 = 35, 7 × 9 = 63, तो ये हमारा 3563 यहाँ तक टीक हो गया है। तो 3563 में हमारा दो ऑप्शन आते हैं, एक 2 आता है और एक 4 आता है। अब हम देखेंगे जब ये 48 के लिए रिलेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, 6 × 4 = 24, 24 × 2 = 48, तो ये अगर हम देखेंगे 7 × 63 = 63 × 5 = 99 भी नहीं आएगा, 45 भी नहीं आएगा, तो ये रिलेशन 48 के लिए नहीं रहेगा, तो 48 के लिए कुछ और रिलेशन हो सकता है। तो अब 6 + 4 करेंगे और ये 2 हम माइनस करेंगे, 6 + 4 = 10, 10 - 2 = 8, 8 को ये 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ रहा है। सेम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 9 + 7 बचा हुआ नंबर 5,
So 9 plus 7 16 16 minus 5 11, 11 into 9 करेंगे 99, यहाँ पे 99 है. सो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 73. ये सारे प्रॉब्लम जितना ज़्यादा आप सॉल्व करते जाएंगे उतना ज़्यादा ये आपको समझ में आने लग जाएगा. क्वेश्चन नंबर 73. सेलेक्ट, और मैंने मेरा जो वेबसाइट है mathswalapadhai.com, उस वेबसाइट पे आपको इंटेलिजेंस के स्कॉलरशिप के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स विथ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हमें ढूंढना है. तो ये आंसर फाइंड आउट के लिए हमें पहले ये नंबर्स का रिलेशन ढूंढना है. तो ये नंबर्स का रिलेशन क्या है जब हम देखेंगे. सो ये 2 cube 8, 4 cube 64, ये दोनों को हम प्लेस करेंगे. 64 प्लस 8 इज 72, 72 को हम हाफ करेंगे तो 36 है. सेम वे 3 cube 9, 5 cube 125, दोनों को हम प्लेस करेंगे. 125 प्लस 9 इज 134, 134 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 cube is 27 और 125, जब दोनों को हम प्लेस करेंगे, 5 प्लस 7 12, 4 प्लस 1 5, 152 को 2 से डिवाइड करेंगे 76 आंसर आएगा. सेम वे 3 cube is 27, 7 cube is 343, ये दोनों को हम प्लेस करेंगे. अब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे रिलेशन यहीं से आएगा. 2 cube 8, 6 cube is 216, दोनों को हम प्लेस करेंगे. 216 प्लस 8 224, इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, 112. सो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 74 75, ये आइडियल क्वेश्चन है, यानी कि इनका आंसर हम एग्जैक्टली क्या करते हैं वो नहीं, आइडियल आंसर हमारा क्या होना चाहिए वो हमें टिक करना है. ग्राम पंचायत हैज़ अपील द लोकल पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द जल युक्त शिवार स्कीम. इन दिस सिचुएशन विच एक्शन विल बी अप्रोप्रिएट फॉर अथर्वा. अथर्वा विल प्लान फॉर एन आउटिंग विद फैमिली, नहीं. अथर्वा विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्कीम एंड विल हैप्पीली कॉन्ट्रीब्यूट. अथर्वा विल टेल पीपल अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ द स्कीम, ड्रॉबैक्स भी हमें नहीं बताना है. अथर्वा विल गिव एक्सक्यूज फॉर एन इम्पोर्टेंट वर्क एंड विल स्टे एट होम. तो यहाँ पे आइडियल बिहेवियर जो है वो ऑप्शन 2 है. सेम वे 75. वाइल गोइंग टू स्कूल यू सी ए मैजिक शो गोइंग ऑन. यूअर फ्रेंड सुभाष इंसिस्ट यू टू सी दैट, वॉट विल यू डू. देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि आप वहाँ पे क्या करेंगे एग्जैक्टली आंसर हमें नहीं, हमारा आइडियल बिहेवियर क्या होना चाहिए वो हमारा आंसर रहेगा. लिविंग सुभाष देर यू विल गो टू स्कूल, टेक अलॉन्ग सुभाष टू स्कूल, टेल सुभाष द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज एंड आस्क हिम टू कंट्रोल द टेम्पटेशन फॉर मैजिक शो, कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल ही कीप्स वॉचिंग मैजिक शो. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है. अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.